नमस्कार, आम ओडिशा आपण मन को स्वागत करुच्छी मु बंदिता आसवा। संपूर्ण खबर को कुख्यात अपराधी विकास दुबेर द एंड उज्जैनी गिरफ होबार 24 घंटा पर एनकाउंटर करिछि यूपीएसटीएफ। दंड मृत्यु सह खत्म होइछि दीर्घ 25 वर्षर आतंकराज। कानपुर बाला विकास कानपुर रे हेला निपात, ये हेउछि शेष जंत्रणा जे सारा जीवन अन्य काहरी जीवन रो मूल्य बुझिला नाही। डाक्तरखाना रे पहुंचिबा परे भी तार जीवन बंची पारिलानी। गैंगस्टर विकास दुबेर खेल शेष होइगला। गैंग का जो मुखिया था कुख्यात जो अपना जो हैं मतलब जो इसका गैंग लीडर था, आज हमारी पूरी टीम ने एसटीएफ ने कानपुर नगर की पुलिस ने इसको आज मुठभेड़ में मार गिराया। प्रबल वर्षा रे जेते बेले पूरा कानपुर भिजुथिला सही समय रे विकास रो विनाश लीला रो क्लाइमैक्स होथिला। गैंगस्टर विकास दुबे का खात्मा हो गया। इस वक्त मैं कानपुर के उसी स्थान पर खड़ा हूं जहां से एसटीएफ की टीम इसे उज्जैन से लेके कानपुर ला रही थी और आज इसे पेश होना था, तो कहीं ना कहीं गाड़ी पलटी है। आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर एक्सीडेंट हुआ होगा और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेके यहां तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी और इसी रास्ते से भागने की पैसेज बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है। पुलिस का असला छीन के यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया। सबसे पहले न्यूज़ 18 ने यह बात को बताया था कि गाड़ी पलटी। 7:15 के आसपास का ये पूरा वाकया है। गुरुवार मध्यप्रदेश उज्जैनीर महाकाल मंदिर निकटर विकास को गिरफ्त करागला। संध्यारे ताकु कोर्टरे हाजर करागला आउ तापरे एमपी पुलिस विकास को यूपीएसटीएफ को हस्तांतर कला। पुलिस विकास को नहीं कानपुर फेरुथिला। पुलिस टीम कानपुर रे पहुंची भी सारीथिला किंतु गंतव्य स्थल रे पहुंचिबा पूर्वरु ही हेला गोटे दुर्घटना। विकास दुबे को आणुथिबा एसटीएफ रो गाड़ी ओलटी पड़िला। गाड़ी ओलटिबा परे खसिबाकु चेष्टा कला विकास दुबे। पुलिस रो पिस्तल छुड़ाई फायरिंग करिबाकु उद्यम कला। पुलिस एनकाउंटर रे विकास दुबे रो मृत्यु होला। एही एनकाउंटर रे 4 पुलिस कर्मचारी भी आहत हेले। कानपुर रो एसपी अनिल कुमार एनकाउंटर कथा स्पष्ट करिछुंती। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई। एबे प्रश्न हला कानपुर बाला विकास रो बाकी गुंडा मानकर कौन हेबो, यहार जवाब भी आपण सुनि नियंतु। कि जो भी जाते हैं पिछले 5 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, आज गैंग लीडर मारा गया है, शेष जो लोग हैं हमारी टीमें जाते हैं। केवल कानपुर नगर की पुलिस नहीं, जैसा आपने देखा है पिछले 1 हफ्ते में हमीरपुर पुलिस, इटावा पुलिस, पूरे प्रदेश के हर जनपद के हर पुलिसकर्मी इस समय जाते हैं, इस गैंग पर लगा हुआ है। गोटे पटे पुलिस उत्तर प्रदेश को गैंग और गुंडा मानों को ठरु मुक्त करने कथा कहुछी, अन्य पटे कानपुर रे होइथिबा विकास एनकाउंटर को नहीं आरंभ हो जाइछि राजनीति। यूपीर पूर्वतन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ट्वीट करी पुलिस और सरकार कार्यशैली प्रश्न कले। अखिलेश लिखिले प्रकृतर यही कार ओलटी ना, रहस्य खोलें सरकार ओलटी जीवार बचा जा। विकास मृत्यु राजनीति पर एक प्रसंग हो पाए किंतु से जो स्तर निर्मम हत्याकारी तार मृत्यु फल लोके खूब खुशी अच्छा जहां को से समस्या पकाऊला। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि गोलियां चलती हैं, बम चलते हैं, लेकिन हम लोगों ने लाइव देखा, अपनी आंखों से रियल में देखा, बचपन से देखो और आज तक देख रहे हैं। इनका कहना है कि देश भले ही 1947 में आजाद हो गया था लेकिन असली आजादी इनकी आज हुई है। आज ये ईद भी मनाएंगे, मिठाइयां भी बांटेंगे, जश्न भी मनाएंगे, सब कुछ करेंगे क्योंकि ये आजाद हो गए हैं, इन्हें आतंक और दहशत के पर्याय से मुक्ति मिली है। प्रश्न इस सड़क को दुर्घटना ऊपर भी उठा जाउछी किंतु कहा जाउछी जे गणमाध्यम नजर रु विकास दुबे को दूर को नेबा पई गाड़ी रो बेग खूब अधिक थिला, वर्षा भी होथिला, वर्षा ओ द्रुत गति फल रे ही गाड़ी ओलटिला। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। शक्तिशाली हेउछि पुलिस, संगठित हेउछि पुलिस रो माओ दमन ऑपरेशन, छत्रभंग देउछंती लाल बाहिनी, गोटिए परे गोटिए जिला छाड़ी करुछंती पलायन,
अपरपक्षे सरकारों विकासमुखी योजना सांग को थैथान और प्रोत्साहन प्रभावित हो आत्मसमर्पण करछंती माओवादी जहार परिणाम राज्यर आउ पांचटी जिला होइछि नक्सलमुक्त एक केन्द्र को जणाइछंती राज्य सरकार। माओवादी पुलिस भारी शक्ति शून्य होउछि लाल बाहिनी गोटिक परे गोटिए जिला होउछि नक्सल मुक्त तालिकारे जोड़ी हेला आउ पांच जिला अनुगुल बौद्ध संबलपुर देवगढ़ एवं नयागढ़ तथ्य केन्द्र को देइछंती राज्य सरकार। सुरक्षा संपर्कित खर्च योजनारु एही पांच जिला को बाद दिया जाइछि। पुलिस महानिर्देशक अभय कहिछंती 2018 रे 6 जिला जाजपुर ढेंकनाल केन्दुझर मयूरभंज गजपति और गंजाम को नक्सल मुक्त घोषणा करते राज्य सरकार एवं आउ पांच जिला से तालिकारे होइछि सामिल। डीजीपी कहते दुई वर्ष धरी अनुगुल बौद्ध संबलपुर देवगढ़ और नयागढ़ जिले में माओवादी कार्यकलाप संगठित होना पुलिस नक्सल गुली विनिमय मध्य होइनि। पांचटा जिला को एसआईडी डिस्ट्रिक्ट से रिमूव करने स्टेट गवर्नमेंट जो ओडिशा पुलिस प्रस्ताव था ताको अनुमोदित कर गोटे भल डेवलपमेंट होती इनक्रीजिंगली नक्सल मैंने सरेन्डर कर गत वर्ष 2019 पूरा 2019 13 जन नक्सल सरेन्डर कर बट 2020 एवं पर्यंत अलरेडी 17 जन नक्सल सरेन्डर कर। आसत नजर पकेबा विगत 3 वर्ष ओडिशा पुलिस माओ दमन ऑपरेशन उपरे 2018 नक्सल पुलिस भितर होता 26 थर गुली विनिमय जो प्राण हर 19 नक्सल से वर्ष 39 नक्सल को गिरफ कर 27 जन कर आत्मसमर्पण से 2019 पुलिस गुड़े निहत होते 8 नक्सल पलट आक्रमण में जड़े पुलिस प्राण हर से वर्ष 14 थर होता गुड़ विनिमय पुलिस पाखे आत्मसमर्पण कर 13 जन नक्सल 2020 एपर्यंत पुलिस नक्सल होती 9 थर मुहांमुही एनकाउंटर रे 7 नक्सल को पुलिस बाहिनी निपात करितिबा बेले 17 जन फेरिछंती मुख्य स्रोत को। अनुगुल एसपी कहिछंती सातकोशिया अभयारण्य अंचल रे 2018 रु आउ नक्सल कार्यकलाप नाही। पूर्वरु एही अंचल रु 2 जन माओवादी आत्मसमर्पण करथिले। जिला नक्सल मुक्त घोषणा हेले मध्य आमुको सबबेले अलर्ट रहिबाकु हेबो। सेबरे बौद्ध एसपी कहिछंती कंधमाल सीमा को लागिथिले मध्य बौद्ध रे कोनोसे नक्सल कार्यकलाप नाही। ओडिशा पुलिस पाई और अंगुल पुलिस पाई एटा बहुत गर्व रे विषय अच्छी आउ किंतु आमे को एटारु रिलैक्स हेबार नहीं। आमरा इंटेलिजेंस नेटवर्क आमरा स्पेशली ट्रेंड एसओजी रु जो ट्रेन है कि आमरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स अच्छी से वर्तमान मध्य से माने एक्टिव रहिबे आमे गर्व फील करूछु किंतु ता संगरे आमे अलर्ट मध्य रहिबु। जो डिक्लेअर है छी नक्सल मुक्त बहुत डाटा मूवमेंट एक्टिविटीज ए सब को नजर रखी करी है छी जेहेतु कंधमाल बॉर्डर हेले भी आमर बॉर्डर सहित एतटा सहित एक्टिविटीज ना सब इंटेरियर पार्टी अच्छे आमर को किसी एफेक्ट ना ग्राउंड लेवल पब्लिक पर्यटन गवर्नमेंट बेनिफिट पहुँची तापाई पब्लिक सपोर्ट भी पूरा प्रशासन साइड को पड़े आसानी और आम आशा कर फ्यूचर में भी आम अलर्ट रहू और कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव कमी गवर्नमेंट रेरिये स्कीम ग्राउंड लेवल पहुँचे देख। राज्य पुलिस बढ़ी शक्ति बढ़ी मनोबल राज्य सरकार थैथान प्रक्रिया प्रोत्साहन और आभ्यंतरीण अंचल द्रुत विकास सहित संगठित पुलिस ऑपरेशन जो गोटिक पर गोटे जिलार मूलपोच होती लाल बाहिनी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। दुर्बल होइछि मौसमी शेष आड़क कम बर्षि फलरे सुखिला पड़ी 6 उपकूल जिला स्वाभाविक ठारु 20% नियंटिया वर्षा होइछि। आगामी सप्ताह भितरे भल वर्षा नहले उपकूल जिले में धान चाष विशेष प्रभावित हेबो बोली कृषि पाणिपाग विशेषज्ञ कहिछन्ति। शेष आड़क मौसुमी देला दुख सुखिला पड़ा उपकूल 6 उपकूलवर्ती जिला समेत 7 जिले में नियंटिया वर्षा खोर्धा पुरी जाजपुर कटक बालेश्वर केन्द्रापड़ा सहित सुवर्णपुर जिले में स्वाभाविक ठारु 20% कम वर्षा नियंटिया वर्षा एवं चाष कार्य सृष्टि करिछि समस्या एवं तली रोइबा समय वर्षा नथिबारु रुआ कार्य बाधाप्राप्त। कृषि विशेषज्ञ मतरे
ବର୍ଷାଭାବ ଅଣଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆଣିବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଧାନ ଚାଷ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଭଲ ବର୍ଷା ନହେଲେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପାରେ। ଅଠର ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଉଡ଼ା ରୁଆ ରୁଇ କରିଦେବେ। ଯଦି ସେ ଉଣେଇଶ ନ ହୁଏ, ମିସ୍ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅସୁବିଧା ହେବ। କାହିଁକି ଯଦି ପଇଁତିରିଶ ଦିନ ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତେଇଶ ଚବିଶ ଜୁନ୍ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ତଳକୁ ପଇଁତିରିଶ ଦିନ ହୋଇଯିବ। ଜୁନ୍ ପହିଲାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ତିନିଶହ ପଇଁତିରିଶ ଦଶମିକ ଚାରି ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିମାଣଠାରୁ ମାତ୍ର 6% ଅଧିକ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିମାଣଠାରୁ 40% ଅଧିକ ଥିଲା। 23 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ 61 ମିଲିମିଟର, ଟାବୁ ଗାଁରେ 46 ମିଲିମିଟର, ଫୁଲବାଣୀରେ 45 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୋନପୁର ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ କାଟେଗୋରି ମେ ହେ ମିନ୍ସ 20% ସେ ଜ୍ୟାଦା ରେନ୍ଫଲ କମ୍ ହୁଆ ହେ। ବାକି 23 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଏକ୍ସେସ ଅର୍ ନର୍ମାଲ ହେ। ଏକ୍ସେସ ହେ ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼ ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଏକ୍ସେସ ମିନ୍ସ 20% ଅର୍ ମୋର ରେନ୍ଫଲ ଜ୍ୟାଦା ହୁଆ ହେ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଶିଓଳଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବିପତ୍ତି ଆଣିଲା ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ, ହଠାତ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା, ବୁଡ଼ିଲା ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି। ଭଦ୍ରକ ସହର ଏବଂ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର 4 ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା। ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଛୁଟିଛି ପାଣି, ଘରେ ପଶିଛି ପାଣି, ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଚାଷ ଜମି। ବର୍ଷା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା, ଏକର ଏକର ଜମି ଜଳମଗ୍ନ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣିର ସୁଅ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବି ପଶିଛି ପାଣି। କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ବର୍ଣ୍ଣପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ପଞ୍ଚାୟତର ସୁସୁଆ ଗାଁରେ ପଶିଛି ପାଣି। ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଥିବା ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା। ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମିରେ ତଳି ପକାଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଜମି। ତଳା ନାହିଁ, ଆମେ ରୋଇମୁ କ'ଣ? ବିହନ ଯାହା ଆଗର ଥିଲା ବିହନ ଆମେ ମୁଥା ତଳା ପଡ଼ି ପାଇଲାନି, ଆତର ତଳା ପକାଇଥିଲେ ବିହନ ବି ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ବିହନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଚିଗଲାଣି। 5 ଦିନ ହେଲା, 4-5 ଦିନ ହେଲା ତଳା ପୁରା ପାଣିରେ ବୋଡ଼ିକି ଅଛି। ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ, ପନିପରିବା ଚାଷ ଠାରୁ ମାଛ ଚାଷ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ପନିପରିବା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତଳି ପୁରାପୁରି 1.5 ମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ ବୋଡ଼ିକି ରହିଛି। ସେହିପରି ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ବାରୁଅ, ବିଲନା, କାଁପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ପଶିଛି ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି। ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଚାଷ ଜମି, ରୁଆ ଧାନ ସହ ଧାନ ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା। ବାରୁଅ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଥିବାରୁ ଯାତାୟତ କରିବାରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଶଙ୍କାରେ ଘାରି ହେଲେଣି ଚାଷୀ। ପାଣି ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାର ସବୁ ମେଲା କରିଦେଇକିରି କୂଳବନ୍ଧକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ପାଣି ଆସିକିରି ଆମର ତଳା ତ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମକୁ ଏ ବର୍ଷର ଖୁରାକି ଆମକୁ ଯୋଗାଇବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଆମେ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଖୁରାକି ଆଗେ ଘରକୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଖୁରାକି ଆମେ ନଷ୍ଟ କଲା ମାନେ ବର୍ଷକର ଖୁରାକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ଆମର ଦାବି। ଶାଳିନ୍ଦୀ କେନାଲ ଡିଭିଜନ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ 3000 ଘନଫୁଟ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ନଦୀର ଜଳ କମିଯିବ, ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆମର 3500 ଘନଫୁଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରୁଥିଲେ, ଏହା 2 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଇନଫ୍ଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲାଣି ସେ ଅନୁସାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ 5 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ନଦୀରେ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯିବ, ନଦୀରେ ନଦୀରେ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ସେତିକି ଭୟଭୀତ ହେବାର କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ତପନ ସ୍ୱାଇଁ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 565 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7972କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମର ସର୍ବାଧିକ 185, ରାୟଗଡ଼ାର 85 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 45, କଟକର 32, ମାଲକାନଗିରିର 30 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳର 23, ବରଗଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର 24 ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର 15, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରର 17 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
राज्य में 565 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होती या मिसाई राज्य में वर्तमान कोरोना सुस्थ होता व्यक्ति संख्या 7972 में पहुंच सारी। भद्रक 4 अच्छा पुरीर 3 बलांगीर 45 कटक 32 मलकानगिर 30 जन सुस्थ होती सर्वाधिक गंजाम 185 जन। एबे अधिक डराउछि कोरोना प्रतिदिन पॉजिटिव संख्या भांगुछि रेकर्ड। आज राज्य रे बाहरी छथि 755 आक्रांत एवं 4 जनकर मृत्यु होईछि। केवल गंजाम रु बाहरी छथि 320 पॉजिटिव 4 मृतक मध्य गंजाम जिल्लार। स्थिति एभळी हेलाणी जे गोष्ठी संक्रमण भय घारिछि। रेकर्ड परे रेकर्ड प्रतिदिन आक्रांतक संख्या आशातीत भावे बढ़ुछि। शुक्रवार दिन करे चिन्हट होती 755 पॉजिटिव। संगरोध केन्द्र 508 और स्थानीय अंचल 247 मिसाई राज्य में मोट आक्रांत संख्या 11956। सेपटे 4 जन जीवन नहीं किलर भाइरस समस्त मृतक गंजामर। यह मिसाई गंजाम रे मोट मृत्यु संख्या 34 रे पहुंची बेले राज्य में मोट मृतकों संख्या 56 छुई। गंजाम स्थिति को नहीं बढ़ी चिंता। 4 मृतकों छड़ा शुक्रवार 320 पॉजिटिव चिन्हट होती जिल्लारु। जिल्लारे वर्तमान सुधा आक्रांतों संख्या 3400 टपी जाइछि। प्रशासनर सबु कटकणा परे भी हु हो जिल्लारे कोरोना संक्रमण उपरे लागुनि रोक। गोष्ठी संक्रमण को नहीं घारी भय। ब्रह्मपुर समेत जिलार समस्त सहरांचल जारी रही सटडाउन। सेपटे ब्रह्मपुर सहर से बुली मोबाइल स्वाप कलेक्शन भ्यान घर घर बुली हेउची लोकों स्वास्थ्य जांच। जिले में अधिक 4 कोविड मेडिकल परे आक्रांतों चिकित्सा करिवारे समस्या नहीं बोली जिलापा श्री ब्रह्मपुर भाई। गोटे मोबाइल स्वाप कलेक्शन एंड टेस्टिंग एंड दि जा तो ये पूरा ब्रह्मपुर एरिया रे आमर जो सर्वे चली सर्वे रे जितने की लोग सिम्टोमेटिक बाहर सिम्टोमेटिक कोमोरबिड बाहर यार पे ये सब पेशेंट कर लिस्ट करके वार्ड वाइज जाके ये स्वैप कलेक्शन है। जो भय मन भितर ब्रह्मपुर सहर कहूँ गंजाम जिले में जो भयटा थिला जेहेतु बाहर प्रवासी ओडिया मैंने आने पॉजिटिव अच्छा अन्य मैंने संक्रमित हे से भय आ। कटकु शुक्रवार बाहरी 55 पॉजिटिव। से भितर सालेपुर 16 जन थे चौद्वार जेल्रु 8 कटक सहरु 5 जन अच्छा एससीबी फांडीर जड़े कनेस्टेबल होती कोरोना संक्रमित। फांडीर समस्त कर्मचारी को रखा रखी आइसोलेशन रे। मंगलाबाग थाना कर्मचारी आक्रांतों लिंक में आसीबू मंगलाबाग थाना को साधारण लोकों प्रवेश निषेध करपटे चौद्वार जेल्रे गोटे सप्ताह 10 जन पॉजिटिव चिन्हट पर बढ़ी संक्रमण आशंका। गोटे मंगलाबाग जो मेडिकल आउटपोस्ट अच्छे तार गोटे कांस्टेबल पॉजिटिव बाहरी मेडिकल सिफ्ट कर बाकी जो सेठी और लोक थे चेकिंग चलु कौन पॉजिटिव या नेगेटिव हेल्ले फर्दर देना पड़ो से फांडी को आइसोलेसन जोन हिसाब से ठीक कर देखने समस्त को टेस्ट करदे आवश्यक अच्छे समस्त जो माने ठीक अच्छा से मानक अलग करदे कथा जो मैंने अफेक्टेड होती सेपरेट गोटे वार्ड रखिकी सेपरेट वार्ड में बड़ वार्ड जो गुड़ा सब बाराक सिस्टम भाया अच्छी सेपरेटली रखी ट्रिटमेंट कर आवश्यकता अच्छी। शुक्रवार भुवनेश्वर महानगर निगम अंचल चिन्हट होती 45 पॉजिटिव। 35 जन संगरोध केन्द्र होता बेले लोकाल केस हो 10। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। राज्य में कोरोना ग्राफ्र लंबा जंप दिनक रेकर्ड भांगुची भाइरस तेणु हॉटस्पॉट तालिका रे ओडिशा सामिल होबा नै आशंका प्रकाश पाई हेले भली आशंका अमूलक बोली मत देछंती विशेषज्ञ। सेपटे आसंता सप्ताह रु दिनक 8-9 हजार टेस्ट करा जिवो सेपरी आउ 1 लाख एंटीजन किट ऑर्डर करा जिवो एवं 10-12 दिन मध्यरे आरंभ हेबो प्लाज्मा थेरापी। भुवनेश्वर शहीद नगर व्यवसायी देवाशिष त्रिपाठी कोरोना पर निजर व्यवसाय प्रभावित होता नहीं जी चिंतित नुहति ताधिक कोरोना संक्रमण को नहीं कारण राजधानी समेत सारा राज्य में एवं उग्र है संक्रमण। गोटे दिन में संक्रमण 750 टपिला
ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 12,000 ହେଲାଣି। ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ଯେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ବି ପାଲଟି ଯାଇପାରେ ହଟସ୍ପଟ, ସେପଟେ ଆଶଙ୍କା ଅମୂଳକ ହୋଇନପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପରିଚାଳନା ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆମେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ହିସାବରେ ଆମେ ତ ବହୁତ ଆତଙ୍କିତ, କାହିଁକିନା ହଟସ୍ପଟ୍ ହେବ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହଉ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଫିଗର ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଆହୁରି ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଟସ୍ପଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ରଖାହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ୱିଦାଉଟ୍ ଚେକିଂରେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଲା, ଯାହାର ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ହଟସ୍ପଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହଟସ୍ପଟ୍ ଆଶଙ୍କା ସତ ହୋଇନପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସନ୍ଦୀପ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ମତରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ଭଲ, ଲକଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସହିତ ସୀମା ସିଲ୍ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର, କରୋନା ଟେଷ୍ଟକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହିତ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବେଶୀ ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ହଟସ୍ପଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହଟସ୍ପଟ୍ ହୋଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି, ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ, ଦିନକୁ 8,000-9,000 ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଦିନକୁ 6,000 ଅଧିକ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ସହ 20,000 ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏବେ 30,000 ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଆଉ 1,00,000 କିଟ୍ ଅର୍ଡର କରାଯିବ। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାହାର ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, କେଉଁଠି କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନିୟମାବଳୀ। ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ବି 10-12 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ 4 ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ହେବ ମୁଖ୍ୟ ହବ। କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏବେ ଆଉ 1,00,000 କିଟ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରାଯିବ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍। ଯେଉଁ 4 ମେଡିକାଲ ଯେଉଁ ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଛି, ବେଶୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ସ ଆଉ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ, ଏଇ 4 ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଠୁ, କିନ୍ତୁ ମେଜର ହବ୍ ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ଏସ୍ସିବିରେ ରହିବ। ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ତେଣୁ ଭାଇରସକୁ ହରାଇବାକୁ ସଚେତନତା ଓ ସତର୍କତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା ଓ ଅଜିଶ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସେପଟେ ବିଧାନସଭା 3 ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ବିଧାନସଭାର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ରବିବାର 2 ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିବାରୁ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ମିଶାଇ ଲଗାତାର 3 ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ବିଧାନସଭା। ସେପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ପୁରା ବିଧାନସଭାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଜଣେ ବିଧାୟକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ତାପରେ July 31 ଯାଏ ସମସ୍ତ ବୈଠକକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟେ ଅଧିବେଶନ ସରିବାର 6 ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଅଧିବେଶନ ବସିବାର ନିୟମ ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନ କିପରି ବସିବ ସେ ନେଇ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।